सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद और वंदे मातरम। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के जो सेना भर्ती के बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ। जो राजस्थान के जो सभी आरओ की भर्तियाँ आ रखी है उसके बारे में कन्फर्म इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। इसमें जो आपके ग्राउंड से रिकॉर्डिंग होंगे सारे सवाल होंगे और आपके सेना भर्ती के रिकॉर्डिंग सारे सवाल होंगे। एंड जो बंदे जो कौन से बंदे इसमें शामिल होंगे कौन से नहीं होंगे वो चीज़ भी आपको इसमें बता दूंगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर बंदे के लिए जो राजस्थान से बिलोंग करता है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, समझ जाना जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसके साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं बहुत जल्द आपके जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाला हूँ, जो होने वाली सेना भर्ती है उन सभी की ग्राउंड रिपोर्टिंग करूँगा जैसे मैं पिछला कर रहा था। पिछली बार मैंने जो अलवर जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, जयपुर वाली भी की थी, तो इसी प्रकार जो अभी अजमेर में होने वाली सेना भर्ती उसके लिए जो सभी आरओ यानी पाँचों आरओ की जो भर्ती होने वाली है इसमें जो मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग मैं खुद जाकर करने वाला हूँ तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़, जो भी सेना भर्तियाँ होंगी जो एक्स वाई जेड जो अपने अलवर की हो या जो अपने कोटा की हो, सो जो भी राजस्थान की सारी भर्तियाँ होंगी उन सभी के ग्राउंड रिपोर्टिंग करूँगा अलग अलग जगह। यानी जो हो सकता है जो अलवर वाली सेना भर्ती हो उस वक्त मैं अलवर में जाकर जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करूँ, जयपुर वाली जब भी होगी तो जयपुर में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करूँगा। अभी जो आने वाली सेना भर्ती है 11 जुलाई से जो होने वाली दौड़ है इसमें जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाला हूँ बहुत जल्द आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। इसकी जानकारी आपको जो 11 जुलाई के आसपास है जो आपको मिलेगा वीडियो, तो इसमें जो कन्फर्म आपको मिलेगी कि जो कौन कौन से बंदे सेलेक्ट हुए हैं कौन से नहीं हुए ये चीज़ सब आपको बताऊंगा। तो बहुत अच्छी बात है। और अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें कौन कौन से बंदे इसमें शामिल होंगे और ग्राउंड से रिकॉर्डिंग जो भी आपके सवाल हैं जो आप बार बार मुझे कन्फर्म पूछ रहे हो कि जो फ़ोन करके या जो व्हाट्सएप पर मैसेज करके या हर कमेंट बॉक्स में जो सवाल पूछ रहे हो उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि ग्राउंड का जो कितना है, यानी बहुत से बंदे बोलते कि ये जो 420 का है या जो 415 या जो कितने का जो ग्राउंड रहने वाला इस बार, तो एक चीज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं कि जो बहुत से बंदे जो इस चीज़ को अफवाह बोल सकते हैं, इस चीज़ को लेकर अलग बोल सकते हैं, ऐसे भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो 800 मीटर का ग्राउंड है। एक चीज़ मैं आपको कन्फर्म कर देता हूँ कि जो अभी तक ऐसा जो 800 मीटर का ग्राउंड नहीं है, मैंने भी खुद जो 3-4 प्रतियाँ उसी ग्राउंड में देखी हैं तो मुझे इस चीज़ का खुद पता है। फर्स्ट चीज़, ये जो ग्राउंड 400 मीटर का है और अदरवाइज तो बहुत से बंदे 420 बोलेंगे 415 बोलेंगे अलग अलग है, लेकिन वो होता है कि जो उनके हिसाब से हो सकता है कि वो रनिंग हिसाब से कर रहे हैं, किस हिसाब से रनिंग कर रहे हैं वो जो बाहर की बाउंड्री से काउंट किया हो उन्होंने तो शायद हो सकता है वो 420 का हो या 415 का हो। ये तो आपके सवाल थे जो ग्राउंड की रिपोर्टिंग, जो मैंने आपको बताया है कि 400 का ही ग्राउंड रहने वाला, अदरवाइज कोई भी चेंजेस आपको नहीं मिलेगा, 400 मीटर का आपका ग्राउंड है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है जो टॉपिक, बहुत से बंदे मुझे जो बोल रहे कि जो क्या हम अलवर वाले बंदे जो इस सेना भर्ती को देखेंगे नहीं देखेंगे, तो जी हाँ मेरे भाई, अलवर वाले हो, जयपुर वाले हो या इधर जो अपने कोटा वाले हो, जोधपुर वाले हो, सभी के हैं जहाँ सेना भर्ती होने वाली है जो 11 जुलाई से जो स्टार्ट है जो 2 अगस्त तक चलने वाली है, इसमें सभी बंदे इसमें भर्ती हो सकते हैं और देख सकते हैं। जो आपकी भर्ती रहेगी जो एनए की रहेगी, जो दूसरी कलर की और दूसरी और भी जो वैकेंसी है जो फार्मा की है, इसके तीनों की पूरे राजस्थान के लिए भर्ती हैं और जो इसी ग्राउंड में होने वाली है। अलग अलग डेट को अलग अलग आर ओ वाई तहसील वाई बुलाया जाएगा, तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कौन से आर ओ से बिलोंग करते हो कौन सी, वो सब चीज़ें आपके एडमिट कार्ड के थ्रू आपको बताया जाएगा। अब दूसरी चीज़, एडमिट कार्ड आपका कब आएगा? एडमिट कार्ड आपका जो लगभग जो हो सकता है आपको जो 10 जुलाई से पहले पहले सभी का एडमिट कार्ड आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो जब आपकी 11 जुलाई को भर्ती होगी तो लगभग ऑलमोस्ट जो या 10-15 दिन पहले जो एडमिट कार्ड आ जाते हैं, तो 11 तारीख से भी जो पहले पहले सभी के एडमिट कार्ड आ जाएंगे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगा, अपना जो मोबाइल नंबर है उस पर आपको देखने को मिलेगा, अपनी ईमेल आईडी है उस पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़, अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत से बंदे मुझे ये चीज़ बोल रहे हैं कि जो इस जो ग्राउंड के यानी जो इस ग्राउंड को लेके जो अलवर वाला जो अपना ग्राउंड था इसी के सेम रहेगा या अदरवाइज कोई चेंजेस रहेगा, क्योंकि अलवर वालों की सेना भर्ती भी जो अभी बाकी है, है ना। तो अलवर वाले जो बोल रहे हैं कि जो इसका ग्राउंड क्या अलग रहेगा, क्योंकि अलवर वाले जो बंदों ने ग्राउंड देख दिया था, वो जो मीनापुरा में जो ग्राउंड होने वाला था वो उसी की रनिंग होने वाली थी, उस ग्राउंड को उन्होंने देखा था, उनको इस जो ग्राउंड के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो अलवर वालों को मैं एक चीज़ बता दूँ, देखो जो आपका ग्राउंड था वो पहले पुलिस वालों के लिए रखा गया था, जिन पुलिस का फिजिकल वहाँ पे चल रहा था, उसके बाद में बदला गया और चेंजेस किया गया था, तो सेम 415 था और 420 के आसपास था, लेकिन अभी जो रहेगा अपना अलवर वाला जो अजमेर में होने वाला जो सेना भर्ती कायर विश्राम स्थल में, इसमें आपका 400 का ही रहेगा, अदरवाइज कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा। हो सकता है आप जो इसकी जो काउंटिंग करो या जिसकी जो आप बाइक लेके भी जो ड्राइव करो तब भी आपको 420 देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो हम बाइक लेके भी ड्राइव करते हैं तो वो जो बाहर की राउंडिंग देख सकते हैं, और जबकि जो काउंटिंग होती है जो ऐसे ऐसे जो राउंडिंग होती है तो वो समझ सकते हो कि आप कहाँ से काउंटिंग हो रही है कहाँ से नहीं, ये चीज़, ठीक है। इस चीज़ को लेके जो बहुत से बंदे परेशान थे इसीलिए जो मैंने ये वीडियो समझा और आपको बताया, और इसके साथ मैं आपका ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत जल्द करने वाला हूँ तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। इसमें आपको हर एक चीज़ समझा दूंगा जो वहाँ पे जाके समझाऊंगा कि जो कौन कौन सी जो रनिंग रहेगी, कौन कौन से यानी कैटेगरी वाइज जो भर्ती होगी वो चीज़ भी आपको बता दूंगा।
इसके लिए जो और भी बंदे मुझे ये चीज़ बोल रहे थे कि जो सर अभी हमारे पास ये जो यदि बाई चांस हम सेना भर्ती के लिए निकल भी गए हैं और एडमिट कार्ड है हमारे पास और दूसरे जो डॉक्यूमेंट तो है, लेकिन जो वहाँ पे क्या फोटोकॉपी ये सारी चीज़ें या रहने की व्यवस्था सारी व्यवस्था होगी या नहीं होगी? तो जी हाँ, आपको जो 7-8 दिन पहले या 6 दिन पहले आपको एक ऑफिशियली जो नोटिस मैंने आपको बताया था जो अखबार की कटिंग थी राजस्थान पत्रिका में आया था, उसमें अपने कलेक्टर साहब ने जो अजमेर के कलेक्टर साहब हैं वहाँ के पूरा इन्होंने ऑफिशियल कहा कि जो जो भी सेना भर्ती होने वाली है इसके लिए हम उसके लिए तैयारी में जुटे हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सारी व्यवस्थाएं, जो अपने खाने की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो, या जो ट्रैफिक की सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे करवाई जाएगी, कोई भी आपका ऐसे नहीं है, ठीक है। और सफाई की रिकॉर्डिंग जो भी सवाल थे आपके, तो सफाई क्या चल रही है, नहीं चल रही है अभी कोविड जो वहाँ पे कैड विश्राम स्थल में? तो अभी देखो जी हाँ, अब 10 या 15 दिन के अंदर अंदर आपकी जो जहाँ पे होने वाली सेना भर्ती है कैड विश्राम स्थल में, वहाँ की सफाई होना स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है वो जो 5 दिन बाद हो या 3 दिन बाद हो, लेकिन बहुत जल्द जो देखने को मिल सकती है वो आपको, और ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है एडमिट कार्ड की रिकॉर्डिंग, तो उसके लिए आप तैयार रहें। और जिन बंदों ने अपना फॉर्म नहीं बनाया तो ज़रूर भर देना, क्योंकि 27 जून इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो जो भी बंदे ने अभी तक जो राजस्थान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, अपना सेना भर्ती आ रखी है, जो अपनी एनए की है, कलर की है, दूसरी जो आपकी फार्मा की है, तो इनमें आपने फॉर्म नहीं भरा तो आप भर देना, और उन दोस्तों को भी बोल देना जिन्होंने नहीं भरा है, ठीक है। इस वीडियो को जितना उसका फॉरवर्ड करना, जिससे हर दोस्तों की एक मिल सके नोटिस और जिनको एक सही जानकारी प्रोवाइड कर सकूँ। और इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और लास्ट टाइम बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से बंदे जो इस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं, तो मेरी अकेडमी के बारे में आपको जो सवाल थे कि ये जो अकेडमी आपकी बंद है और क्या आप तैयारी करवा रहे हो नहीं करवा रहे हो ये चीज़, तो इसके लिए मैं जो दूसरी अकेडमी बहुत जल्द ज्वाइन कर सकता हूँ, हो सकता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, उसमें जो हो सकते हैं बहुत से बंदों का सिलेक्शन हो, तो उसके लिए भी आप ज़रूर तैयार रहना, क्योंकि किसी भी वक्त मैं आपको इन्फॉर्म कर सकता हूँ।